राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट चमोली पहुंचे, जहां उन्होंने गोपेश्वर में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में सूचना का अधिकार अधिनियम के लिए लोगों में जागरूकता की कमी है। सूचना का अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कामकाज में पारदर्शिता लाना है। आयोग का काम सिर्फ अपील सुनना नहीं है, इसकी सार्थकता तभी होगी जब विभागों की कार्यप्रणाली में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि समस्त विभागों में 17 बिंदुओं को स्पष्ट रूप से साइन बोर्ड पर अंकित किया जाना है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम आम जनता के लिए है, जनता को इस एक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने नगर पालिका गोपेश्वर के अधिशासी अधिकारी को बुलाकर RTI डेस्क के बारे में जानकारी मांगी। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। अधिकार अधिनियम को लेकर आम लोगों के बीच में एक बड़ी नकारात्मकता फैली है, पिछले कुछ समय में ऐसा देखने में आया। तो आयोग की भी कोशिश है कि जो नकारात्मकता आई है और जो एक एक किस तरीके का मैसेज है कि RTI का दुरुपयोग अधिक हो रहा है या उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, तो इस मैसेज को सही करने के लिए लगातार संवाद कर रहे हैं। जो सरकारी महकमे हैं, जो लोक प्राधिकारी हैं, लोक सूचना अधिकारी हैं, उनसे लगातार संपर्क कर किया जा रहा है कि सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो उसके प्रोविजंस हैं उसके अंतर्गत एप्लीकेशनों का निस्तारण किया जाए। आम लोगों के बीच में भी ये मैसेज देने की जा रही है, जागरूकता लाने की कोशिश की जा रही है। पवित्र अधिनियम और इसकी पवित्रता जो है बनाए रखी जाए, इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारी शासन व्यवस्था है उसमें पारदर्शिता है, सुशासन स्थापित हो, तो वो तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है सूचना अधिकार अधिनियम का, वो पूरी ईमानदारी के साथ जनता के स्तर पर भी और लोक प्राधिकारियों के स्तर पर भी नहीं किया जाता है, और यही कोशिश की जा रही है।